खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से है, जहां राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भाग लेने के लिए रायबरेली पहुंचे। यहां 1857 क्रांति के महानायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 220वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में पत्रकार मौसमी सिंह, साहित्यकार डॉक्टर महादेव सिंह, श्रीराम परिहार, महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार सहित एक दर्जन से अधिक प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत अभिनंदन है, गंगा का स्वागत है और जो बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरा आभार देने की धरती होते सादर प्रणाम और अभिनंदन। देखिए, देश के महान सपूत स्वर्गीय राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की आज जयंती का एक कार्यक्रम है, जो न सिर्फ रायबरेली के लिए बल्कि जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एकता अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए, देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए आज़ादी की लड़ाई में 18 के दशक में महान कुर्बानी देते हुए देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाने का काम किया बल्कि उन्होंने बहुत सारे बड़े भूभाग पर अंग्रेजों के राज से मुक्त कराते हुए अपनी स्वाधीनता का परचम लहराने का काम किया था। ऐसे महान सपूत की आज की इस जयंती के कार्यक्रम पर यहाँ हम लोगों को आने का अवसर मिला है। आज हमारे साथ यहाँ की सदर की विधायक अदिति सिंह जी भी हैं, यहाँ के जो स्मारक समिति के राणा साहब के जो सभी संरक्षक अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है, जिसमें महावीर चक्र के विजेताओं से लेकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में और अन्य अन्य क्षेत्रों में विशेष काम करने वाले, उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले उन लोगों का भी सम्मान इस समिति के द्वारा किया गया है। उन सबको में आज हमें अवसर मिला है, गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बीच में हम लोगों को उन्हें सम्मान करने का अवसर मिला है। सर, पिछले वर्ष भी आप रायबरेली पहुँचे थे, शिलान्यास किया था, भूमि पूजन, आज क्या कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? आज देख रहे हैं आप, आज राणा जी की पुष्पांजलि भी हमने की है, अब जा रहे हैं उसके जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं तो उसमें लोकार्पण और शिलान्यास के जो कार्यक्रम होने उसमें जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय राणा जी के जो याद में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे ऑडिटोरियम का हो या अन्य अन्य काम चल रहे हैं, उसकी लगातार स्वीकृतियाँ मिल रही हैं, काम प्रगति पर हैं और निश्चित रूप से उनके जीवन को समर्पित कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी धन की जरूरत होगी दे रही है और आगे भी देती रहेगी। रायबरेली से दनिशन भारत के लिए मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें दनिशन भारत के साथ।